तो इनकी कैब बुक हो चुकी है और अब ये देखो मेरी रिबू सोई हुई है चारी, उसको उठाने जा रहे हैं। देखो अब वो रोएगी। उठा दिया मम्मी पापा ने, उठा दिया। मैं तो नींद कर रहा था। बाबू बाबू नींद कर रहे थे आप? पापा जा रहे हैं, पापा गए। नहीं तो फिर 5 साल का बाद ही होगा, फिर मेरा गाड़ी कराना है ना। अरे रोई रोई भी किया इसने। चलो जा रो ना, ये देखो पादे पादे पापा को पादे दो, पादे दो पापा को पादे दो। चलो ठीक है, ठीक है, बाय आपने कहा कि हमें खा लो। बाय बाय बाय। और आपकी ध्यान रखना, चला बोला ठीक है, मार का भी ख्याल रखना, ठीक है, ठीक है, बाय। चलो ठीक है, बाय बाय। फ्रेंड्स मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ और मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। पहुँच ही गए वैसे तो, दिखाते हैं आपको। मन नहीं लग रहा है यहाँ ऑफिस जाए। प्लेटफॉर्म में पहुँच गया, ये रहा मेरा सामान। सामान खींच की हालत ख़राब हो गई, गर्मी बहुत हो रही है। तीन नंबर ये कौन सा है? प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आएगी शाल राजधानी, बस वहीं पहुंच रहा हूं। ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है स्टेशन में, ये देख रहे हैं पूरा खचाखच भरा हुआ। मैं प्लेटफॉर्म में तो पहुंच चुका हूं, बस अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं। A2 चेक करते हैं, A2 कहां आएगा। एक कूली भाई से पूछा है कि A2 कहां आएगा, उसने बोला है कि पीछे आएगा, पीछे चलते हैं। अब कितना पीछे जाना है ये पता नहीं। देखो यार ऐसे आने वाली है वैसे ट्रेन, 5-10 मिनट बाद जाएगी फिर तो पता चल ही जाएगा। फाइनली मेरी ट्रेन चल चुकी है और ये देखिए ट्रेन निकल चुकी है हमारी। बाय बाय दिल्ली, बहुत जल्द वापस आऊँगा। मन नहीं कर रहा दिल्ली जाने से, दिल्ली छोड़ के वापस जाने का बंगाल, क्योंकि बच्चे बच्चे सब यहीं पे रहे तो मन यहीं लगा रहा था, क्या करें। अभी मेरी चाय मैंने फिनिश कर दी है। पता नहीं कब खाना है यार, खाना वाना खा के सोते हैं, इधर दही, एक साथ ये होगा पनीर और ये है रोटी, इसमें है दाल, उसमें थोड़ा शायद राइस हो। ये देखिए खाना, ये आ गया मेरा, ये रहा रोटी। रोटी तो देखने में अच्छी लग रही है, खाना देखते हैं टेस्ट करके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो फ्रेंड सुबह हो चुकी है, मैं भी उठ चुका हूँ। रात को तो थक गए थे, नींद तो अच्छी आ गई। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा पहुँचना। मेरे लिए दुर्गापुर पहुँच चुका हूँ और मैंने सामान वामान रख लिया अपने, ये रहा मेरा सामान, ये रहा निकाल लिया मैंने सारा सामान टाइम से है। बिल्कुल 2-4 मिनट लेट हुई है, बाकी मैं बिल्कुल टाइम से हूँ। और ये देखिए ये मेरी शालदार राजधानी भी निकलती हुई।
रेस्ट रूम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स मेरे को लगी नहीं लगी है बहुत जोर से भूख, ब्रेकफास्ट क्या नहीं, 8 बज गए। तो ये देखो मैंने ये लिया है ब्रेड, ऑमलेट, ये है टमाटो, और ये है फ्रूटी। कि बिना चाय के मुझसे तो खाया जाता नहीं है, तो चाय मैंने पी ली थी तो मैंने सोचा अब फ्रूटी ले लेता हूँ और फ्रूटी के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो तो मेरा ब्रेकफास्ट तो पूरा कर लिया मैंने, और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा डस्टबिन में ही डालें, तो कुछ भी खाएं उसको डस्टबिन में जरूर डालें। फ्रेंड्स अब बहुत थकावट हो रही है, सोच रहा हूँ अभी थोड़ी देर आधा घंटा या 15-20 मिनट थोड़ा सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, नींद आ रही काफ़ी। तो फ्रेंड्स अब हो गया बहुत रेस्ट, अब मैं निकल रहा हूँ अपने कैंप की तरफ। ये रहा इनका यहाँ का टैक्सी और ऑटो स्टैंड, देखते हैं पूछता हूँ चलेगा कोई, कितने पैसे लेगा देखते हैं। अरे अन्नू गाड़ी बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं भाई, पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। अरे इतना कहाँ लगता है यार, 160 रुपये बोल रहे हैं, देखते हैं भाई साहब 160 रुपये भाड़ा बोल रहे हैं, मनमानी चल रही, क्या करें भाई इनकी मजबूरी, हम तो यार। ये चल दिया हमारा बोट, ये रखा मेरा सामान, तो बहुत रेस्ट हो चुका है। आप आज से 8 कल से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी जब